अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान। आज के इस वीडियो के ज़रिए एक बात आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आपके अंदर जो एक कन्फ्यूजन है जनरली, कि जो कास्ट वाले स्पेशली जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, या EWS से लेके जो भी कास्ट होंगी, वो तमाम के तमाम, कि एक सवाल ऐसा आया है कि सर, हम तो जैसा अगर महाटीट या सीटेट अगर कास्ट में पास है, मिसाल के तौर पर ऐसा उनका कहना है, तो क्या हम, मैंने देखो पहले भी बोला था कि आप लोग जो है ओपन के लिए एलिजिबल है, लेकिन सवाल ऐसा है कि हम अगर कास्ट में TET पास है या कास्ट में सीटेट पास है, तो क्या हम ओपन की मेरिट क्रॉस करने के बाद ओपन में लग सकते? तो देखो, इसका जवाब है यस, बिल्कुल तुम लग सकते। इसका रेफरेंस मैं देने की कोशिश करूंगा। इसका हवाला ऐसा है कि 2017 के अभियोग्यता चाचनी टेट में ये मुद्दा जनरली चला था बहुत, कि भाई 55% अगर वो TET में लेता है और तो उसको जो है एलिजिबल ना करार दिया जाए, ऐसा एक जैसा बच्चों ने आमतौर पे मुद्दा उठाया था। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि जो TET है, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इस पर सिलेक्शन नहीं है। तो कास्ट का मतलब ही होता है रिजर्वेशन का, कि भाई आपको सहूलत दी जाए, तो ऐसा सिस्टम है। दूसरा रेफरेंस इसका मैं देने की कोशिश करूंगा कि जो 2017 के टेट में जो 55% यानी कि 82-83 मार्क, 84 मार्क वाले TET में पास हुए थे इस तरीके से, कास्ट से, और वो ओपन में उनका जो सिलेक्शन हुआ, तो वो जो MPSC होता है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा इदारा है ये, तो इसमें भी सेम जैसा हमारे पास TET टैट होता है, वहां पर प्री और मेंस होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो प्री जो होता है ये हमारे TET के जैसा होता है, जैसा कि जो प्री क्वालिफाई होता है वो मेंस में। तो इसके आप जितने भी मेरिट लिस्ट उठाकर देख लेंगे, जितने भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेरिट उठाकर देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि वो लोग जो है कास्ट की जो से मेरिट क्रॉस किए हैं प्री में, ओपन की नहीं, कास्ट से क्रॉस किए और बाद में ओपन की मेंस में मेरिट क्रॉस किए। जैसा हमारा टेट होता है वैसा उनका मेंस होता है, तो मेंस में उन्होंने ओपन की मेरिट क्रॉस करने के बाद में भले ही वो कास्ट से प्री क्रॉस करे हो, तो सिलेक्शन जिस चीज पे होता है वो मेन है, ऐसा उसका बुनियाद मानी गई। तो ये क्लियर क्लियर मैं कह रहा हूं कि आज तक, अभी तक ऐसा कोई भी GR या कोई भी परिपत्रक नहीं आया 2017 के बाद कि वो एलिजिबल नहीं हो सकते। बिल्कुल वो हो सकते हैं, भले ही वो कास्ट में TET पास हो या CTET पास हो, लेकिन उन्होंने ओपन की मेरिट क्रॉस करना जरूरी है, तो ही उनका ओपन में सिलेक्शन होगा, अदरवाइज उनका कास्ट में ही सिलेक्शन होगा अगर वो कास्ट की क्रॉस करते हैं तो ये बात है। तो इसको लेकर ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 2017 में ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो कैटेगरी से बिलोंग करके भी, कैटेगरी से महाटीटी सीटेट पास करके भी ओपन में सिलेक्शन उनका हुआ है। यही ये वीडियो के जरिए मैंने कहने की कोशिश किया। मैंने आपको दो रेफरेंस दिया, 2017 के टेट का भी दिया और 2000 MPSC का भी मैंने आपको जो है रेफरेंस दिया, और MPSC में तकरीबन यही होता है। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, पूरे महाराष्ट्र की कोई भी भर्ती उठाकर देख लो, तो उसमें जो है जनरली ओपन की मेरिट बहुत हाई होती है। इसका रीजन ये है कि अगर कोई कास्ट वाला, कोई भी कास्ट वाला अगर हाईएस्ट मार्क ले लेता है और ओपन इतने मार्क होते हैं उसको, तो वो ओपन में जाकर ऑटोमेटिकली बैठ जाता है। ये बात याद रखना, इसलिए जनरली ओपन की मेरिट हाई होती है। इस वीडियो के जरिए यही बताना था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आपके जो है कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं और जो कन्फ्यूज है, उन तक ये जरूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।